मथुरा के बारे में क्या नहीं है कहना। मैं कुछ समय बाद आ रही हूँ यहाँ पर और इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और खास बात यह है कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो वृंदावन की कुंज गलियाँ हैं वो सब आप लोगों ने इतने अच्छे से संभाल के रखा है। द हेरिटेज जो यहाँ का जो टूरिज्म है वहाँ से उसे देखने के लिए आ रहे हैं वो भी आप लोगों ने इतना अच्छा मेंटेन किया है। प्लस जहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ आप आए हैं, हेमा मालिनी जी प्रचार कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं, पहले भी आपने प्रचार किया है, किस तरीके का माहौल देख रही हैं? बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और इतने सारे सपोर्टर्स हैं। जो मथुरा के जो वासियां हैं यहाँ पर वो ही चाहते हैं कि मेरी माँ यहीं पर रहे, यहाँ पर यहाँ से ही चुनाव लड़े और जीते। इस बार भी उन्होंने 10 साल दिया है, अभी उनको और बहुत कुछ करना है और इनके सपोर्ट के साथ साथ मम्मी कर पाते हैं, आप तो कैसे यहाँ का कैंपेन कर रहे सपोर्ट हैं, बहुत जरूरी है। आप किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं आज उनका प्रचार यहाँ मथुरा में करने आए हैं? जी हम लोग मोस्टली यूथ ऑफ मथुरा से मिल रहे हैं और यहाँ पर कॉलेज में आए हैं। जैसे आप देख रहे हैं श्री गिरिराज महाराज कॉलेज मथुरा पर हम आए हैं आज और सारे स्टूडेंट्स से मिलेंगे और सो वी आई थिंक मोस्टली मीटिंग द यूथ ऑफ मथुरा। आज अमित शाह भी आ रहे हैं, रैली करने आ रहे हैं। हाँ जी यूथ को वोट करने के लिए अभी जो इनसे अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं सब यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। आहना मैं और वैभव। आइए।